This is lecture 9th, chemistry, 11th class. In this lecture, we will discuss about the 5th law of combination. 5th law of chemical combination. अब तक हमने स्टडी किए थे चार लॉ, जो हमारे 4 लॉज थे. फर्स्ट क्या था भाई? हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सेकेंड वन लॉ क्या था भाई? हमारा लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन. थर्ड क्या था भाई? हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. एंड फोर्थ वन क्या था? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. ये जो चारों के चारों लॉ थे हमारे लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के, ये रिलेट करते हैं किसे? मास रिलेशनशिप से. किसे रिलेट करते थे भाई? मास रिलेशनशिप. बट जो हमारा फिफ्थ लॉ है, जिसका नाम है लॉ ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस. क्या बोलते हैं इनको? लॉ ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस. दिस इज आवर फिफ्थ लॉ, नोन एज लॉ ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस, या इट इज आल्सो नोन एज द गे लुसेक्स लॉ. क्या बोलते हैं इसको? गे लुसेक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस. बिकॉज दिस लॉ वॉज गिवन बाई गे लुसेक. ये लॉ किसने दिया था भाई? दिस लॉ वॉज गिवन बाई गे लुसेक इन 1808. अब तक जो हमारे चारों के चारों लॉ थे, जो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के फर्स्ट 4 लॉज थे, दे रिलेट विद द मास रिलेशनशिप. वो किसे रिलेट करते हैं भाई? हमारे मास रिलेशनशिप से. बट जो हमारे एक ये लॉ था लास्ट वन, फिफ्थ लॉ, इट्स रिलेट विद द वॉल्यूम. किसे रिलेट कर रहा है भाई ये? वॉल्यूम से. इसके नाम में ये है क्या भाई? लॉ ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेज. दैट मीन्स दिस लॉ रिलेट विद द वॉल्यूम रिलेशनशिप. किसे रिलेट करता है ये लॉ हमारा? वॉल्यूम रिलेशनशिप से. वॉल्यूम रिलेशनशिप, क्लियर ना? अब तक के जो चारों लॉ थे, दे रिलेट विद द मास रिलेशनशिप, बट दिस लॉ रिलेट विद द वॉल्यूम रिलेशनशिप, क्लियर ना? तो दिस लॉ इज नोन एज द लॉ ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेज, एंड दिस लॉ वॉज गिवन बाई गे लुसेक्स इन 1808. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार क्या होता था गे लुसेक ने? कि वैन द टू और मोर सबस्टांसिस कंबाइंड विद ईच अदर, देन दे कन्वर्ट इन टू द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सबस्टांस विच मे बी गैस और नॉट बी गैस. अगर आपके दो या दो से अधिक सबस्टांस जो गैस में है, जो पहले से क्या है भाई? गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है. यानी आप ये बोल सकते हो, व्हेन द टू और मोर गैसेस कंबाइन विद ईच अदर, व्हेन द टू और मोर गैसेस कंबाइन विद ईच अदर, एंड देन दे कन्वर्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस विच मे और मे नॉट बी गैस. वो गैस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्लियर ना? बट ऑल ऑफ दीज यानी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तीनों के तीनों जितनी बनते हैं हमारे, या जितने हमारे टोटल कंपाउंड्स होते हैं, उनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है? एक होल रेशियो होता है. यानी डेफिनेशन क्या होगी इसकी? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन द टू और मोर गैसेस कंबाइन विद ईच अदर एंड converts into the formation of new substances which may or may not be gas but all of these have a definite ratio या whole ratio, चलिए ना? इस लॉ के अनुसार क्या था? When the two or more gases combine with each other and then they convert into the formation of a new chemical substance which may or may not be gas, जो गैस भी हो सकता है और गैस नहीं भी हो सकता है, but the ratio of all of these in volume. अब तक जो रेशियो था किसमें था भाई? मास के अंदर था. जो फर्स्ट 4 लॉ थे उनके अंदर जो डेफिनेट रेशियो था, जिनके अंदर जो होल रेशियो था, वो रेशियो किसके अंदर था? मास के अंदर. बट इन दिस लॉ द रेशियो विल बी फाउंड इन टू द वॉल्यूम. दैट्स वाई इट इज बेस्ड ऑन द वॉल्यूम रिलेशनशिप, क्लियर ना? एंड दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेज या गे लुसेक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल्स.
क्लियर ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन द टू और मोर गैस पार्टिकल्स कंबाइन विद ईच अदर देन दे कन्वर्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस व्हिच मे और मे नॉट बी गैस, जो गैस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बट ऑल ऑफ दीज कंपाउंड्स हैव ए डेफिनेट रेशियो और होल रेशियो बाय देयर वॉल्यूम, बाय देयर वॉल्यूम अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर ना भाई, अंडर द सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर नोन एज द लॉ ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास दो गैसेज हैं, एग्जाम्पल लेते हैं इसका, हमारे पास हाइड्रोजन गैस है H2 प्लस क्लोरीन गैस है Cl2, इट विल कन्वर्ट इनटू द HCl हाइड्रोक्लोरिक गैस। बैलेंस कर लीजिए इसको, 2HCl, इसका कितना वॉल्यूम भाई, एक वॉल्यूम, इसका भी एक, एक वॉल्यूम कैसे भाई, इसके आगे क्या है, कुछ नहीं तो एक है, इसके एक है, इसके कितना भाई 2, तो इसके वॉल्यूम कितने हो जाएंगे 2 वॉल्यूम। तो रेशियो क्या होगा भाई हमारा, 1:1:2 एंड दिस रेशियो इज द होल रेशियो। क्लियर ना, दैट मीन्स इट फॉलो द लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स या लॉ ऑफ वॉल्यूम गैसेज या गे-लुसेक्स लॉ ऑफ गैस पार्टिकल्स। क्लियर, और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका, मान लिया हमारे पास हाइड्रोजन है H2 प्लस ऑक्सीजन कंबाइन कन्वर्ट इन टू द वाटर, और ये वाटर किसी फॉर्म में है, स्टीम की फॉर्म में बाफ, तो वो क्या होते हैं गैस पार्टिकल्स, तो इसका भी 1 वॉल्यूम। पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1 मल्टीप्लाई बाई 2, नाउ इट इज 2×2=4, तो 2×2=4, तो इसके वॉल्यूम कितने हो जाएंगे 2 वॉल्यूम, ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम, वाटर के 2 वॉल्यूम, तो रेशियो क्या होगा इसका 2:1:2। तो यस, इट आल्सो फॉलो द लॉ ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेज बिकॉज दे कंटेन द डेफिनाइट रेशियो। क्लियर ना, चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास दो गैस हैं, एक हमारे पास क्या है भाई नाइट्रोजन गैस है प्लस क्या है हाइड्रोजन, व्हेन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन दे कन्वर्ट इनटू द अमोनिया गैस NH3। नाइट्रोजन 2 पार्टिकल्स, यहाँ पे कितना है 1, दो एटम, यहाँ एक एटम, मल्टीप्लाई बाई 2, हाइड्रोजन 3×6, यहाँ पे 2 है तो मल्टीप्लाई बाई 3×3=6। क्लियर ना, इस प्रकार से अब चेक कीजिए, 1 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम और इसके 2 वॉल्यूम, तो रेशियो क्या होगा भाई 1:3:2, 1:3:2, तो इट आल्सो फॉलो द लॉ ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस। तो दीज आर द 5 लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन जिनके ऊपर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। तो 5 लॉज है हमारे, फर्स्ट वन दोबारा देता हूँ मैं आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड वन लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, थर्ड वन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ वन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड फिफ्थ वन इज नोन एज द लॉ ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेज। इसके अंदर जो पहले वाले जो 4 लॉज थे हमारे लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के, दे फॉलो द मास रिलेशनशिप, बट दिस लास्ट लॉ इट फॉलो द वॉल्यूम रिलेशनशिप। किसको फॉलो करता है भैया, हमारी वॉल्यूम रिलेशनशिप को। Now we will start our next topic. Next topic क्या है हमारा, Dalton's Atomic Theory. हमने 9th क्लास में ही पढ़ी है थोड़ी बहुत ये, Dalton's Atomic Theory. हमारे एक साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, जिन्होंने सबसे पहले स्टडी किया था, किसके बारे में स्टडी किया था भाई, एटम के बारे में। He was the first scientist who studied अबाउट द एटम इन 1804 में, और उन्होंने ये थ्योरी प्रोवाइड की थी इन 1808 के अंदर, नोन एज डाल्टन एटोमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन वो साइंटिस्ट था जिसने फर्स्टली में बताया था किसके बारे में, एटम के बारे में, इन 1804 में, और उन्होंने इसके रिगार्डिंग, इस एटम की स्टडी के रिगार्डिंग थ्योरी तैयार की थी डाल्टन एटोमिक थ्योरी, और ये थ्योरी जॉन डाल्टन ने दी थी इन 1808 के अंदर। क्लियर ना, इन 1808। Now we will talk about the main points of Dalton atomic theory. Main points of Dalton's atomic theory. Dalton के atomic theory के जो main points थे वो क्या कहते हैं भाई? First one,
उन्होंने क्या बताया था कि मैटर इज मेड अप बाय स्मॉल पार्टिकल, कोई भी जो मैटर होती है ना वो कैसे होती है, इट इज मेड अप बाय वेरी स्मॉल पार्टिकल, वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल, जिनको आप क्या बोलते हो एटम्स, क्या बोलते हैं जिनको आप एटम्स। दैट मीन्स उन्होंने क्या बताया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, यानी एटम वो छोटे से छोटा पार्टिकल होता है जिसको आप बार बार नहीं तोड़ सकते। दोबारा ध्यान दे, जो फर्स्ट पॉइंट था वो क्या था उसने कि मैटर इज मेड अप बाय वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं जो इंडिविजुअल है, जिनको आप तोड़ नहीं सकते, क्या बोलते हैं उनको एटम बोलते हैं। यानी एटम क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड इंटू द डिफरेंट पार्ट्स, यानी एटम वह छोटे से छोटा भाग है जिसको आप बार बार नहीं तोड़ सकते, यानी एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड इंटू द डिफरेंट पार्ट्स। सेकेंड पॉइंट क्या होता है भाई कि जो एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनका जो साइज होता है, उनकी जो शेप होती है, उनका जो मास होता है, वो भी क्या होता है सेम होता है। दैट मीन्स दे ऑल आर आइडेंटिकल, यानी वो क्या होते हैं आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं। उसने क्या बताया कि एक ही एलिमेंट के एटम, मान लिया हमारे पास सल्फर है कोई एलिमेंट S8, और सल्फर के अंदर कितने एटम होते हैं 8 होते हैं सल्फर के एटम, तो इन आठों एटम का जो साइज होता है, जो शेप होती है, जो मास होती है, क्या होती है सेम होती है। और लिखते हैं एग्जांपल, फास्फोरस क्या होता है P4, तो फास्फोरस के अंदर एलिमेंट के अंदर 4 फास्फोरस के एटम होते हैं, और चारों के चारों एटम का जो साइज है, जो शेप है, वो मास है, क्या है वो सेम है। अगर हम ओजोन गैस की बात करें, ओजोन क्या होती है O3, जिसके अंदर 3 हमारे पास ऑक्सीजन के एटम होते हैं, ठीक है ना, और तीनों के तीनों का जो साइज है, शेप है, मास, वो क्या होता है आइडेंटिकल होता है, सेम होता है। दोबारा ध्यान दे, उसने क्या बताया था, एक ही एलिमेंट के जो एटम होते हैं ना, दे आर ऑल ऑफ आइडेंटिकल इन नेचर, दैट मीन्स दे कंटेन द सेम शेप, सेम साइज एंड सेम मास। क्लियर, दिस इज द सेकंड पॉइंट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। थर्ड पॉइंट में क्या था उसने कि एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं, अगर अलग अलग एलिमेंट के एटम होंगे, मान लिया एक एटम आपके पास सल्फर का है, एक फास्फोरस का है, एक ऑक्सीजन का है, एक नाइट्रोजन का है, एक फ्लोरीन का है, एक क्लोरीन का है, अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम है तो उनका साइज भी डिफरेंट होगा, उनका मास भी डिफरेंट होगा, उनकी शेप भी क्या होगी डिफरेंट होगी। थर्ड पॉइंट है, उन्होंने उसने क्या था कि एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट साइज शेप एंड मास, उनका डिफरेंट साइज होगा, उनकी शेप भी डिफरेंट होगी, उनका मास भी क्या होगा डिफरेंट होगा। क्लियर ना, दिस इज द थर्ड पॉइंट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। दैट मीन्स दे डू नॉट कंटेन द सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी थर्ड पॉइंट क्या था भाई, अगर अलग अलग एलिमेंट के एटम है तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होंगी अलग अलग होगी। दे हैव द डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दे हैव द डिफरेंट शेप साइज मास, क्लियर एवरीथिंग। फोर्थ पॉइंट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसने क्या था भाई, एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म द कंपाउंड्स। उसने क्या बताया, अगर सेम या डिफरेंट एटम्स आपस में जब कंबाइन होंगे ना, दे विल कन्वर्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, क्या बनाएंगे वो कंपाउंड्स, जनरली जिनको आप क्या बोलते हो मॉलिक्यूल्स, क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में आपको बता चुका हूँ पहले क्या होते हैं, यानी दीज आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच एग्जिस्ट फ्रीली इन आवर नेचर, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो हमारे नेचर में क्या होते हैं फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, क्या कहलाते हैं वो हमारे मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दीज आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। तो उसने बताया कि एटम्स जो होते हैं, चाहे वो सेम एलिमेंट के हों चाहे वो डिफरेंट एलिमेंट के हों, जो आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे कंपाउंड बनाएंगे। कैसे, मान लिया दो एटम कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा भाई नाइट्रोजन सेम टाइप के, दो कंबाइन होंगे तो क्या, चार कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा फास्फोरस, ओजोन में O3, क्लोरीन में Cl2, फ्लोरीन में F2, ब्रोमीन में Br2, आयोडीन में I2। लेकिन अगर अलग अलग एटम होंगे, फॉर एग्जाम्पल दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन वाटर, एक नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन, क्या बनाएगा अमोनिया गैस, क्लियर, या NH2CO NH2, ये क्या होता है हमारा यूरिया होता है, क्लियर ना, इस प्रकार से, या CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इस प्रकार से, या N2O4 डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इस प्रकार से। उसने क्या बताया,
एटम जब कंबाइन होंगे, चाहे वो सेम एलिमेंट के हो चाहे वो डिफरेंट एलिमेंट के, देन दे कन्वर्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स या विच आर नोन एज द मॉलिक्यूल्स। वो होमोएटॉमिक भी हो सकते हैं और वो हेटरोएटॉमिक भी हो सकते हैं। होमोएटॉमिक जो एक ही प्रकार के एटम से बने हो, हेटरोएटॉमिक जो दो या दो से अधिक प्रकार के एटम से बने हो। तो ये होमोएटॉमिक भी हो सकते हैं और हेटरोएटॉमिक भी हो सकते हैं। क्लियर भाई, दिस इज द फोर्थ पॉइंट। नाउ फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट क्या था भाई हमारे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, उसने हमें बताया डाल्टन ने फर्स्ट फिफ्थ पॉइंट ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कि व्हेन एटम कंबाइन विद वन अनदर दे फॉर्म द कंपाउंड्स बट दे हैव द होल रेशियो। कैसे, मान लिया कार्बन कंबाइन होता है ऑक्सीजन से, तो एक कार्बन का है और दो किसके हैं ऑक्सीजन, तो 1:2, यानी ये आपको फ्रैक्शन में नहीं मिलेंगे, किसमें मिलेंगे हमेशा होल रेशियो में। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया है NH3, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या होगा 1:3, या वाटर हमारे पास H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा 2:1। इस प्रकार से दैट मीन्स दे कंटेन द होल रेशियो, यानी डेफिनाइट रेशियो, एक होल रेशियो मिलेगा आपको, ये फ्रैक्शनल नहीं मिलेगा। क्लियर भाई, नेक्स्ट पॉइंट सिक्स पॉइंट क्या था भाई हमारा, एटम्स ऑफ टू एलिमेंट मे कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। एक से ज्यादा कंपाउंड भी बन सकते हैं। कैसे भाई, उसने बताया कि दो अलग अलग एलिमेंट के दो दो एटम हैं, जब वो आपस में कंबाइन होते हैं तो मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज़्यादा कंपाउंड बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल CO मिलकर क्या बनाता है, CO2 भी बनाता है और COB, ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड और ये क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी क्या है कि जो एटम है डिफरेंट एलिमेंट के, जब वो आपस में कंबाइन होते हैं ना, तो वो क्या बनाते हैं मोर देन वन कंपाउंड भी बना सकते हैं। यानी कई तो एक बनाते हैं, कई एक से ज़्यादा बनाते हैं, 2, 3, 4, 5। फॉर एग्जाम्पल और ले लीजिए आप, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, जब आपस में कंबाइन होते हैं तो NO भी बनाते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O4 डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। यानी जब डिफरेंट एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन होंगे दे फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, तो वो एक से ज़्यादा कंपाउंड भी बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले पार्टिसिपेट करने वाला क्या होता है भाई, एटम होता है। यानी एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, जो किसी केमिकल रिएक्शन में क्या करता है भाग लेता है। यानी इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। क्लियर, एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी, जो हमारा लास्ट पॉइंट था वो क्या था कि एटम को आप ना ही क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। यानी एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, दिस इज आल्सो द पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी। लास्ट पॉइंट हमारा एट्थ पॉइंट क्या है भाई हमारा कि नहीं, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। यानी एटम को आप ना ही क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर ना, और ये जो हमारी थ्योरी थी ना, इसके ये थ्योरी है ना हमारे चारों के चारों लॉ को एक्सप्लेन करती है। जो चार लॉ कौन से थे भाई हमारे, पहले वाले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, चारों के चारों जो हमारे लॉ हैं इसके द्वारा एक्सप्लेन होते हैं। लेकिन जो हमारा फिफ्थ लॉ लॉ ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेज, वो इसके द्वारा एक्सप्लेन नहीं होता, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द वॉल्यूम रिलेशनशिप। और पहले चार लॉ इसमें बेस्ड हमारे मास रिलेशनशिप में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है भाई हमारा लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ऑन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।